नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर सोनभद्र से ये, जहां सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गया है और अब मां वैष्णो मंदिर शक्ति पीठ धाम के परिसर में भव्य तरीके तैयारियां भी की गई, दुकानें भी सजी हुई हैं और भक्तों की भीड़ भी देखने को मिली। जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि में स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से माँ शैलपुत्री पहला रूप है। आज डाला वैष्णो मंदिर में माँ वैष्णो देवी का कपाट भोर में 4 बजे खुलकर मां की आरती व घंटियां गूंजने लगी और मंदिर परिसर में प्रसाद वितरण एवं माला फूल अन्य दुकानें भी सजी हुई हैं और भक्तों की भीड़ भी देखने को मिली। वहीं सुभाष मित्तल के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया था और श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी का दर्शन पूजन करते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सुरक्षा को लेकर चौपन थाना पुलिस एवं डाला चौकी इंचार्ज समेत डाला पुलिस मौजूद रहे।